कृपया सभी बैठ जाइए। आज के इस महान पवित्र एवं ऐतिहासिक दिन संत इग्नासियस लोयोला के पर्व दिवस तथा उनके मन परिवर्तन के 500 वर्षगांठ पर यहाँ इस संत मरिया महागिरजा घर में उपस्थित अति माननीय फेलिक्स टोप्पो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति माननीय थियोडोर मस्कारेनस SFX रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष श्रद्धेय फादर अजीत कुमार खेस येसु संघी रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो DSA संत अन्ना धर्म समाज रांची की सुपीरियर जनरल विभिन्न धर्म संघ के सभी प्रोविंशियल सुपीरियर्स श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलखो संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित उपस्थित सभी पुरोहितगण धर्म बंधुओं धर्म बहने एवं हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, आज का यह दिन सचमुच हम सभी के लिए विशेष आशीष एवं कृपा का दिन है, जब हम सभी कृतज्ञ हृदय लिए इग्नेशियन ईयर 2021-2022 के समापन समारोह में एकत्र हुए हैं। यह वर्ष हम सभी के लिए विशिष्ट कृपा एवं अनुग्रह का वर्ष रहा है। यह जुबली वर्ष हमें पुनः संत इग्नासियस लोयोला के जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाता है जो उनके हृदय परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, कैननबॉल की घटना, अर्थात पैर में गोली लगने के बाद का कड़वा अनुभव जिसने उनके जीवन को पूर्णतः झकझोर दिया और यहीं से उनके जीवन में एक नए मोड़ की शुरुआत हुई, अर्थात एक सफल प्रसिद्ध सांसारिक वीर सैनिक एवं राजकुमार बनकर सबसे सुंदर राज बात हुई। संत इग्नासियस लोयोला के मन परिवर्तन के 500 वर्ष पूरे होने का यह आध्यात्मिक उत्सव न केवल हमें ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण दिलाता है बल्कि यह हमारे वर्तमान एवं भावी आध्यात्मिक एवं प्रेरिताई जीवन में नवीनीकरण लाने और एक नई दिशा देने का आह्वान करता है। इग्नेशियन ईयर की शुरुआत हमने 20 मई 2021 को इनिगो के कैनन बोल के पल मन परिवर्तन एवं मसीह में सभी चीज़ों को नया देखें विषय पर चिंतन प्रार्थना द्वारा की। इसी के साथ पूरे वर्ष भर संत इग्नासियस लोयोला के जीवन परिवर्तन यात्रा के विभिन्न पहलुओं, उनकी आध्यात्मिकता के विभिन्न स्रोतों पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अध्ययन, मनन चिंतन एवं सामुदायिक आध्यात्मिक वार्ता आदि मासिक गतिविधियों द्वारा अपने धर्म संघ की मूल एवं वास्तविक जड़ की गहराई की ओर बढ़ने और अपने जीवन का पुनरावलोकन कर उसमें नवीनता लाने का प्रयास किया है। यह हमारे लिए एक विशेष अवसर है संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता की गहराई से समझने
उसमें दृढ़ता लाने और अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन को नया रूप देने तथा नई खोज की ओर आगे बढ़ने का। यह अवसर हमें रुककर अपने जीवन का अवलोकन करने एवं प्रतिदिन के जीवन में निरंतर परिवर्तन लाने का समय है, साथ ही ख्रीस्त को अपने धर्म संघीय एवं प्रेरिताई जीवन का केंद्र बिंदु मानने का एक आह्वान है। अतः आइए हम आज के इस महान एवं पवित्र दिन में सभी आशीष एवं कृपादानों के लिए पिता ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें और इस धन्यवादी ख्रिस्त याग में सम्मिलित होकर पूरे विश्व भर के सभी यीशु संगी भाइयों के लिए और उनके प्रेरितिक कार्यों में ईश्वरीय आशीष की याचना करें। अतः मैं हमारे आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय फेलिक्स टोप्पो यीशु संगी रांची महाधर्म के महाधर्माध्यक्ष को पवित्र ख्रिस्त याग में हमारी आगवाई करने के लिए सहृदय आमंत्रित करता हूँ। हम सब खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्या आप सबों को प्राप्त हो। हम अभी पवित्र यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित करने वाले हैं। पवित्र यूकारिस्तीय बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है, ईश्वरीय प्रेम और हमारी मुक्ति का बलिदान है। इसलिए हम बड़ी भक्ति के साथ इस मिस्सा में भाग लें। और जैसा कि हमने सुना, आज सारे विश्व में हमारे जेसुइट भाई लोग और कैथलिक कलीसिया संत इग्नासियस का त्यौहार मना रही है, तो हम उनके लिए धन्यवाद दें क्योंकि उनके माध्यम से ईश्वर ने अपने प्रेम को फैलाया है, सुसमाचार को फैलाया है और हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में
ना करे। हे ईश्वर, तूने अपनी महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए लोयोला के संत इग्नासियुस को चुना था। इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजयी होकर स्वर्गिक मुकुट प्राप्त करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 तक। पाठ का मूल विषय है, वचन तुम्हारे पास ही है जिसे तुम उसका पालन करो। मूसा ने लोगों से कहा, बशर्ते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता में ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुंच से परे, या स्वर्ग में नहीं है। जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिसे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 31 से अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। पाठ का मूल वचन है, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। भाइयों और बहनों, इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण न बने, न यहूदियों के लिए, न यूनानियों और न ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका।
अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने चाहता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। इग्निशन ईयर के अपने उद्घाटन संदेश में पोप फ्रांसिस ने कहा था, विश्वभर में के सुसमाजियों को संबोधित करते हुए, 500 साल पहले पंपलोना में संत इग्नासियस के सभी सांसारिक सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। एक तोप के गोले ने उनके जीवन और दुनिया की दिशा ही बदल डाली। पंपलोना का एक गोला जो उसके घुटने में लगा था, संत इग्नासियस के जीवन के बीचों बीच एक स्पष्ट लकीर खींच देता है, सांसारिक जीवन और ख्रिस्तमय जीवन। सांसारिक जीवन में क्या दिखलाता है? जैसा हमने प्रस्तावना में सुना था, एक सुंदर लड़की के पीछे भागना, नाम, यश, वश और सब कुछ जो उनके जीवन में उन्हें ऊंचा उठाता था। लेकिन पंपलोना के तोप ने सब कुछ बदल दिया एक ही झटके में। उनका जीवन ख्रिस्त केंद्रित हो गया, उनके सारे सपने ख्रिस्तमय हो गए। और यही है आज जब हम संत इग्नासियस के मन परिवर्तन का के जुबली का समापन करते हैं, तो है हमारे केंद्र बिंदु में है पंपलोना का वह तोप का गोला। कल शाम जेबियर समाज सेवा संस्थान में हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने संत इग्नासियस के दो पहलुओं को रेखांकित किया, जिनके बीचों बीच पंपलोना एक लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है। एक ओर सांसारिक जीवन और दूसरी ओर ख्रिस्त केंद्रित जीवन। प्रकाश स्तंभ क्यों, लाइट हाउस क्यों? क्योंकि वह बीच में खड़ा है। हम लोग याद करेंगे इज़राइलियों के जीवन में जब वे मरुस्थल में चलते थे तो रात में एक प्रकाश स्तंभ आता था, पीछे फिरौन के सैनिक, आगे ईश्वर की कृपा। और यही है एक प्रकाश स्तंभ जो संत इग्नासियस के जीवन में दिखलाता है। ख्रिस्त केंद्रित जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं संत इग्नासियस के जीवन में। एक है मनरेसा के कार्डोनेर नदी के किनारे उनका अपना अनुभव, जिन्हें उन्होंने देखा कि ईश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में, सारे सृष्टि के में ईश्वर काम करता है। और इसी को उन्होंने बाद में लिखा, फाइंडिंग गॉड इन ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स इन गॉड, सब कुछ में ईश्वर को खोजना। और दूसरा पड़ाव था लाजतोरता का अनुभव, जहां उन्होंने निवेदन किया कि यीशु उनके जब ये रोम पहुंचे तो उन्हें उनके साथ रहे। इस सामूल रूपांतरण या कहें हृदय परिवर्तन की शुरुआत पंपलोना में हुई थी। पंपलोना के तोप के गोले के बाद ही उन्हें एहसास हुआ, मनुष्य को क्या लाभ,
यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। आज के रविवार पाठ, यद्यपि हमने दूसरे पाठ सुने, लेकिन आज के तीनों रविवार पाठ इसी सत्य को और रेखांकित करते हैं, उन पर मुहर लगाते हैं। उपदेशक ग्रंथ कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। प्रकाश स्तंभ के दूसरी ओर संत इग्नास्टियस को यही दिखा, सब कुछ व्यर्थ है तो क्यों ना मैं अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दूं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए संत पौलुस कलुसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, ख्रिस्त केंद्रित जीवन व्यर्थ को भी अर्थपूर्ण बना देता है। इसलिए ख्रिस्ती विश्वासियों को, हम में से प्रत्येक को हमेशा ऊपर की चीजों को खोजते रहना चाहिए। और ऊपर की चीजें क्या है? हमारा अपना विश्वास, हमारी आशा, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति। सुसमाचार पाठ चार कदम आगे जाकर कहता है, इसी सत्य पर अब मुहर लगाता है, अचानक प्रभु यदि हमें उठा लेगा तो हमने अपनी सुख सुविधा के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? किसी का नहीं होगा। इसलिए एक मृग मरीचिका की तरह हमें संसार की चीजों के पीछे क्यों दौड़ते रहना चाहिए? यही है संत इग्नासियस के तोप के गोले का केंद्र बिंदु में उसका अर्थ। संत इग्नासियस के हृदय परिवर्तन हमारे लिए एक चुनौती है, एक सीख है। हमारे जीवन में कितने तोप के गोले गिरते रहते हैं। अभी पूरी मानवता के जीवन में कोरोना रूपी एक तोप का गोला गिरा जिससे हम अभी तक नहीं उबर पाए हैं। और हमारे प्रदेश में अभी वृष्टि की कमी एक अन्य तोप के गोले के समान गिरने वाली है। हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या ईश्वर पर हमारा संपूर्ण विश्वास बना रहेगा, या हम दूसरे साधन खोजेंगे जिसमें हम कहेंगे सोने का बछड़ा, उसकी ओर अपना ध्यान खींचेंगे? हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफें, कठिनाइयां, चुनौतियां, समस्याएं आती हैं, ये सारे चीजें पंपलोना के गोले की तरह हैं। लेकिन क्या ये हमें कुछ परिवर्तन लाते हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव के समान एक शब्द बार बार आया था, आसोल परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन। क्या हमारे जीवन में ये दुख तकलीफें, समस्याएं, चाहे परिवार में हो, चाहे धर्म सामाजिक सामुदायिक जीवन में हो, कोई सामूल परिवर्तन, आसोल परिवर्तन लाते हैं? इग्निशन ईयर के समर्पण के समापन के अवसर पर यीशु समाजी भाई बहनों नहीं यीशु समाजी भाइयों से एक सवाल तो बनता है। इग्निशन ईयर में हमने विशेष कार्यक्रम को आयोजन किया है, प्रार्थनाएं चढ़ाई है, मनन चिंतन किया है, तीर्थ यात्राएं की है, लेकिन क्या हमारा भी संपूर्ण नहीं तो कुछ अंश तक मन परिवर्तन हुआ है? यह सवाल आज हम सबको पूछना है। या ईश्वर की महत्तर महिमार्थ के अद मयूरम दे ग्लोरिया के स्थान पर अपनी महिमार्थ, चाहे उसे कहेंगे अद मयूरम मिया ग्लोरिया की बात करते रहे हैं? यह सवाल तो बनता है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि पंपलोना के तोप के गोले की तरह हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए, आमूल परिवर्तन आए, ताकि हम भी प्रभु में सब चीजों का को एक नया देख सकें, मनन चिंतन करें, दिव्य ज्ञान पाएं और अपने जीवन में आसोल परिवर्तन लाएं। आमीन। Thank you.
भाई और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हम संत पिता फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ रहकर कलीसिया के अगुवाओं या मार्गदर्शकों के रूप में उच्च पद, धन संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त करने की चाह नहीं करें, बल्कि सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को आत्मिक भलाई और कल्याण के लिए कार्य करें। वे हम में से प्रत्येक जन के लिए ख्रीस्ते जीवन का एक जीवंत उदाहरण बन सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। येसु समाज के फादर जनरल आर्तुरो सोसा और येसु समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि संत इग्नासियस के पद चिन्हों पर चलते हुए वे सदा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए काम कर सकें। वे अपनी प्रेरितिक प्राथमिकताओं को अपने कार्यों में सही ढंग से लागू कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश राज्य के उत्साही और ईमानदार संदेशवाहक बने रहें, ख्रीस्त के नाम पर अत्याचार सहकर अपनी सहनशीलता और धीरज के द्वारा ख्रीस्तीय विश्वास का दृढ़ साक्ष्य देते रहें। कठिन और चुनौतीपूर्ण कामों में ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा प्रदान करें, ताकि वे प्रत्येक परिस्थिति में सही निर्णय लेते हुए ईश्वर के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले विनय
हम यीशु समाजी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपनी संस्थाओं के द्वारा ईश्वरीय प्रेम और ख्रिस्तीय मूल्यों को फैलाने में मदद करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। शांति के लिए प्रार्थना करें कि हमारे मन में, दिल में, परिवार में, देश में और दुनिया में प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रेम, शांति और एकता का राज्य स्थापित हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, संत इग्नासियुस के स्मरणोत्सव में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत या पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप में पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें संत इग्नासियुस की साधना एवं शिक्षा का अनुसरण करने के लिए बुलाया है कि हम विनीत और विश्वसनीय हृदय से आत्मा की आवाज़ सुन सकें, हमारे जीवन को सभी सद्गुणों के आदर्श ख्रिस्त के सदृश बनाने की ओर बढ़ा, ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें। उन्हीं के द्वारा हे दयालु पिता, तू पूर्ण निर्धारण किया कि आशा की सहायता से संपोषित हो, प्रेम की शक्ति से स्फूर्ति प्राप्त कर तेरे वरदानों की प्रतिक्रिया द्वारा हम अपने विश्वास रूपी यात्रा को पूर्ण कर सकें। अतः अब और अनंत काल तक सभी दूतों के साथ अपने हृदय की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते रहते हैं।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्युआं पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सभी एचुई सेवकों को, जो विशेष करके रांची प्रोविंस के जेजुइतों की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने वहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तेरा सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Thank you.
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। राज्य और तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमेन।
अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, अति मान्यवर सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनहस SFX, मदर जनरल सिस्टर लीली ग्रेस टोपनो DSA, रेवरेंड फादर मनोज वेंगनाथम TOR, विभिन्न धर्म संघों के प्रोविंशियल सुपीरियर्स, फादर डेविड खलखो, संत मरिया महागिरजाघर के पल्ली पुरोहित, मेरे येसु समाजी मित्रों, पुरोहित गण, धर्म बंधुगण, विभिन्न धर्म समाज के फादर्स, ब्रदर्स एवं सिस्टरगण, उपस्थित मसीही माता पिता, भाइयों एवं बहनों, श्रीमद् भगवद गीता का सार है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए मुझे विश्वास है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है और जो भी होगा, सब ईश्वर की महत्तर महिमा हो। इसे हमने आज के दूसरे पाठ में सुना है। आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आज के समारोही मिस्सा बलिदान द्वारा हमने ईश्वर की महत्तर महिमा देखी और हमने सच्चे मन एवं दिल से ईश्वर की महत्तर महिमा की। ख्रीस्त में सब कुछ नया देखें, यह इग्नेशियन ईयर का आदर्श वाक्य था। सब कुछ नया देखने के लिए हमें ख्रीस्त की दृष्टि चाहिए। सब कुछ नया समझने के लिए हमें ख्रीस्त की समझ चाहिए। सब कुछ नया अनुभव करने के लिए हमें ख्रीस्त का हृदय चाहिए। इग्नेशियन ईयर को प्रोविंस स्तर में मनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने सभी येसु संघियों के व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्हें बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में मैं नया देखने, समझने और अनुभव करने का प्रयास कर रहा था। इसमें कुछ हद तक सफल रहा। इस वक्त मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है और इसी मनोभाव से पूरे येसु समाज की ओर से आप सबों को धन्यवाद के दो शब्द कहना चाहूंगा। अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, आपका पितृतुल्य स्नेह, मार्गदर्शन, प्रार्थना एवं भ्रातृतुल्य आत्मीयता एवं सहयोग हम येसु समाजियों को हमेशा मिलता रहता है। स्वयं एक येसु समाजी के रूप में आप संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता को बहुत ही करीबी से जीते हैं, जो हम सबों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। सब कुछ के लिए और विशेष रूप से आज के समारोही ख्रीस्त त्याग में हमारी अगुवाई एवं हम सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिशप थियोडोर मास्करेनहस, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को उत्साह से भर देता है। हमें पता है कि आप येसु समाजियों को प्यार करते हैं और उनमें से भी सबसे ज़्यादा रांची येसु समाजियों को। यही वजह है कि आपने हजारीबाग येसु समाजियों को भी ना कहकर यहाँ रहने का दृढ़ निश्चय किया और आज हमारे बीच आप बस उपस्थित हैं। यही वजह है कि जब कभी किसी भी एक येसु समाजी को कुछ हो जाता है, आप पूरी शक्ति और लगनता से हमेशा हमारी समस्याओं को दूर करने में लग जाते हैं। आपके प्यार, प्रार्थना एवं सभी प्रकार के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फादर डेविड पल्ली पुरोहित, आपके सहयोग के बदौलत हम आज के इस समारोही ख्रीस्त याग को संत मरिया महागिरजाघर में संपन्न कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। आपकी उदारता, दूरदर्शिता, मित्रता
एवं सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरे सभी पुरोहित भाइयों एवं धर्म बंधुओं, आपकी प्रेममयी उपस्थिति, प्रार्थना एवं भाईचारा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर मदर जनरल, प्रोविंशियल्स, सभी धर्म बहने, आपको बहुत धन्यवाद। पोप फ्रांसिस ने वुमेन रिलीजियस को संबोधित करते हुए एक बार कहा था, मैं कलीसिया की कल्पना वुमेन रिलीजियस के बिना नहीं कर सकता हूँ। आपकी कलीसिया में अहम भूमिका है। इसी प्रकार आपकी भूमिका हम येशु समाजियों के साथ किसी न किसी रूप में बहुत ही अहम है। सब कुछ के लिए बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी मसीही माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आप सभी हम सबों के लिए बहुत मायने रखते हैं। चूंकि हमने अपनी बुलाहट आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के बीच से पाई है, आपकी प्रार्थनाओं एवं प्रेरणामय जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत जोन स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थी, MSJF की सिस्टर्स एवं नोविसेस, उर्सुलाइन की सिस्टर्स, मैनेज सेमिनरी की विद्यार्थी, आप सभी ने गीत एवं नृत्य द्वारा हमारे हृदय के गहरे भाव को पौत्र मिसा बलिदान में व्यक्त किया है। मुझे पता है कि इसे तैयार करने में आपने बहुत परिश्रम और त्याग किया है। आपके सुमधुर गीतों एवं भावयुक्त मनमोहक नृत्य के लिए बहुत धन्यवाद। इस गायक मंडली में हमारे येशु समाजी भाइयों का भी सक्रिय हाथ रहा है, आपको बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर गठित ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, लिटर्जी कमेटी और रिफ्रेशमेंट कमेटी ने बहुत बारीकी से इस पर्व दिन की रूपरेखा तैयार की और उसे कार्यान्वित किया है। सबों को बहुत धन्यवाद। रांची आर्ट्स डायसिस की मीडिया टीम आज के समारोह ख्रिस्तियाग का लाइव टेलीकास्ट आपने किया है। मीडिया टीम के सभी भाइयों का, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित आप सबों को हमारे लिए प्रार्थना करने, ईश्वर को धन्यवाद देने और हमारी खुशी में सहभागी होने के लिए पुनः बहुत धन्यवाद। सब कुछ में ईश्वर की महत्तर महिमा हो। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिन्यू द कॉन्सेक्रेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीजस टू द सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी खड़े हो जाएं और आपकी गीत पुस्तिका में कॉन्सेक्रेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीजस टू द सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस के प्रेयर हैं उसे कुछ समय के पश्चात हम कहेंगे। द सोसाइटीज डिवोशन टू द सेक्रेट हार्ट फॉर्मली बिगैन ऑन 1 January 1872 व्हेन देन सुपीरियर जनरल ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीजस पैत्रस जैन बैक्स स्टूड इन द चर्च ऑफ द जेसू इन रोम एंड कॉन्सेक्रेटेड द सोसाइटी टू द सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस ऑन June 9, 1972। Father Pedro Arupe, Superior General of the Society of Jesus, 100 years after Father Pietro consecrated the Society to the Heart of Christ. Father Arturo Sosa, the present Superior General, will renew this consecration today on July 31st, 2022, Feast of St. Ignatius. He invites all communities to renew this consecration. Devotion to the Sacred Heart is the renewal with the spiritual grace received by Ignatius of Loyola at La Estorta in 1537. Such devotion makes us know more intimately the person of Christ, makes us steep ourselves into the import of our mission, and finally, it makes us more Ignatian and better and more authentic Soci Jesu. Arupe's acts declares, we renew today the consecration of the society to the heart of Jesus. We promise you all our fidelity and we ask for your grace to continue to serve you
and to serve your Son with the same spirit and the same intensity as Ignatius and his companions. I would invite all of you to recite the prayer, Consecration to the Society of Jesus, to the Sacred Heart of Jesus, led by His Grace, Felix Topo. Consecration of the Society of Jesus to the Sacred Heart of Jesus. Heavenly Father, as Ignatius prayed in the small chapel of La Estorta, you willed by a singular grace to grant the petition which he had been begging of you for a long time, through the intercession of Our Lady, to be placed with your Son. In your words to him, you assured him of your support. I shall be with you. You asked Jesus carrying his cross to take him as your servant. And this he did in turning to Ignatius with those unforgettable words, It is my will that you serve us. As the followers of the handful of men who were the first companions of Jesus, we in our turn address to you the same prayer, asking to be placed with your Son and to serve under the banner of the cross, where Jesus is nailed out of the obedience with his side pierced and his heart opened, as a sign of his love for you and for all men. We renew today the consecration of the society to the heart of Jesus. We promise you all our fidelity, and we ask for your grace to continue to serve you and to serve your Son with the same spirit and the same intensity as Ignatius and his companions. Through the intercession of the Virgin Mary, we receive the prayer of Ignatius, and before the cross where Jesus Christ gives to us the treasures of his open heart, through him and in him, we save from the very depths of our being. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. Whatever I have or hold, you have given me. I restore it all to you and surrender it wholly to be governed by your will. Give me only your love and your grace, and I am rich enough and ask for nothing more. Amen. थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। सूचनाएं, आज वर्ष का 18वां सामान्य रविवार है। बीमार अथवा बुजुर्ग माता पिता जो रविवार के दिन गिरजा नहीं आ सकते हैं और जिनको परम प्रसाद की जरूरत है, उनका नाम एवं मोबाइल नंबर टोला सरपंच के माध्यम से पल्ली कार्यालय में जमा कर दें। हम पुरोहितगण आपके पास आएंगे और परम प्रसाद का वितरण करेंगे। 4 अगस्त बृहस्पतिवार को संत जॉन मेरी वियाने का पर्व है, जो सभी पुरोहितों का संरक्षक संत भी हैं। सुबह 6:15 बजे पवित्र मिसा की व्यवस्था इसी महागिरजाघर में की गई है। आप सभी से आग्रह है कि आप इस मिसा में जरूर भाग लें और सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आने वाला शुक्रवार पहला शुक्रवार है। शाम 4 बजे से 5 बजे तक पाप स्वीकार संस्कार की व्यवस्था की गई है। 5 बजे से पौत्र मिस्सा शुरू होगी। ठीक एक दिन पहले अर्थात बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे पौत्र घड़ी का समय है, और इसलिए आप सभी से आग्रह किया जाता है कि आप जरूर इस प्रार्थना इस पवित्र घड़ी में सम्मिलित हों और प्रभु से आशीष और कृपा प्राप्त करें। हमारे पल्ली के महिला संघ हमारे लिए प्रत्येक रविवार को
चाय नाश्ता की व्यवस्था की है और आप सभी से आग्रह किया जाता है कि आप जरूर इसे ग्रहण कर माताओं को आर्थिक मदद करें। ये व्यवस्था कोने पे जो स्टेज है वहाँ किया गया है। आप चाय का कप या दूसरे चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, बगल में गड्ढा है उसी गड्ढे में डाल दें। संत जोसेफ फाउंडेशन सत्य भारती में प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत है। जो भाई बहन इस काम को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी पल्ली के सूचना पट से आप हासिल कर सकते हैं। लोयला ट्रेनिंग सेंटर में ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फैशन डिज़ाइन, सिविल सर्वे और कंस्ट्रक्शन का कोर्स शुरू हो रहा है। इसके बारे में भी आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पल्ली के सूचना पट देख लें। आने वाला सप्ताह गीत संचालन का जिम्मा दूसरा मिस्सा में कुम्हार टोली और चौथा मिस्सा में उर्सुलाइन गर्ल्स हॉस्टल जो अल्बर्ट कंपाउंड में है वहाँ की बहनें गीत का संचालन करेंगी। बीते सप्ताह का चढ़ावा दान 78,130 रुपया रहा। हिंदपीढ़ी से सिरनी पैसा 1,200 रुपया दिया गया। आपकी उदारता सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पूरे यहाँ जितने उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं पूरे पल्ली की ओर से हम आज संत इग्नासियस लोयला के पर दिवस के अवसर पर हमारे रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर अजीत खेस और उनके जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी फादर्स हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, सबों को पूरे पल्ली की ओर से हम खुश पर्व कहते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका सहयोग, आपकी उदारता पल्ली वासियों के लिए बहुत मायने रखता है। आपने यहाँ बहुत सारी संस्थाएं चला रही हैं जिसके माध्यम से बहुतों की सेवा कर रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष और कृपा दे। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने संत इग्नासियस के आदर में या स्तुति या धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते रहे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनावे। संतों की सहायता आप लोगों को जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नव निर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। अभी रांची जेजुइट्स ईयरबुक 2022 का विमोचन होगा। मैं महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करनस
एवं श्रद्धेय फादर प्रोविंशियल अजीत कुमार खेस को वेदी के सामने आमंत्रित करता हूँ। यह पुस्तक अपने आप में एक अनूठा पहल है। पूरे साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रांची प्रोविंस ही एक प्रोविंस है जो हर वर्ष 2015 से अब तक इस पुस्तक का प्रकाशन करता रहा है। फादर अजीत स्वयं 2015 से 2020 तक इसके संपादक रहे और पिछले दो वर्षों से इनके संरक्षण में फादर संजय क्रिकेट्टा संपादन का कार्य बखूबी से करते आ रहे हैं। यह वर्ष हमारे लिए और ही विशेष था क्योंकि हम यीशु संघी संत इग्नासियुस के मन परिवर्तन की पंचशती जुबली मना रहे थे। इस जुबली के आदर्श वाक्य टू सी ऑल थिंग्स न्यू इन क्राइस्ट को आधार बनाकर हमने इस बार इस पुस्तक का विषय वस्तु रिन्यूड बाय इग्नेशियन विजन रखा है। मैं संपादक परिषद की ओर से श्रद्धेय फादर प्रोविंशियल अजीत कुमार खेस को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं फादर प्रोविंशियल एवं पूरे रांची यीशु संघ की ओर से फादर संजय क्रिकेट्टा को संपादन कार्य के लिए, पूरी संपादक मंडली को उनके सहयोगात्मक कार्य के लिए एवं सभी लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मैं इन महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि ये पुस्तक का विमोचन करें। फादर प्रोविंशियल से अनुरोध करता हूँ कि वे दोनों धर्माध्यक्षों को जो पुरोहित वेदी की इस ओर हैं वे फोटोग्राफ के लिए सामने आएंगे। सभी पुरोहितों के लिए जगह नहीं होगी इसलिए आप उधर ही रहें। इस समारोही ख्रिस्त्याग के संपन्न होने के बाद सबों के लिए मनरेजा हाउस में जलपान की व्यवस्था है। फिर भी काफ़ी समय हो चला है। समय की कमी के कारण जो वहाँ नहीं जा सकते हैं कृपया आप अपना जलपान निकास द्वार के सामने से ले सकते हैं। इस जलपान की व्यवस्था हम यीशु संघी बड़े प्यार से जुबली वर्ष के अवसर पर आप सबों के लिए किए हैं। कृपया इसे अवश्य ग्रहण करें। धन्यवाद।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में हे यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना करें। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना करें। हे संत इग्नासियस, हमारे लिए प्रार्थना करें। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को खुश खुश इग्नासियस परब। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस।